अलवफा न्यूज़, रहे खबरों से बाखबर। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में सिंध में भरपूर कामयाबी हासिल करने की खुशी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान ने जश्न फतह मनाया। जश्न फतह के मौके पर सैकड़ों की तादाद में कारकुनान और रहनुमा ने मजार कायद के अतराफ में आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद घनी ने कहा कि जब तक हम एक दूसरे के मैंडेट का ख्याल नहीं करेंगे, एहतराम नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। हम एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे, मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, इस शहर के मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे। ये दो चार पाँच दस सीटें ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेयर तुम्हारा हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें रिवायत पैदा करनी है, इस शहर में दहशतगर्दी होती रही, हमें दहशतगर्दी खत्म करनी है। इस शहर में बदतमीजी का तुम जो मुआशरा पैदा किया पीटीआई ने, हमने उसको खत्म करना है। हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि जमात इस्लामी एक बहुत ही मुहज्जब मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सामने आएगी। पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, दो पुख्ता सियासी जमातें मिलकर चलेगी तो शहर के अंदर पुख्तगी आएगी, लोगों के अंदर से वो जो गंद पैदा किया गया था उसको खत्म करेंगे, शहर से गुंडागर्दी खत्म करेंगे, अमन और मोहब्बत की सियासत को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम भी जश्न फतह में शरीक हुए तो कारकुनान ने उन्हें कामयाबी की खुशी में मुबारकबाद भी दी। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।